अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुहेब अहमद इंडस स्टेट एंड बिल्डर से। मैं खैरियत से हूं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूं थीम पार्क कमर्शियल में, जो ये नियर टू प्रीसेंट 19 है और नियर टू हॉस्पिटल है जगह जिस पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ। और इसका मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपने सुना होगा कि मार्केट्स में जो प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं कि अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिनमें आपको अपार्टमेंट्स और शॉप्स अवेलेबल हैं, आप ख़रीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है। ये इसका प्लॉट है, प्लॉट नंबर 47 है। ये कमर्शियल थीम पार्क कमर्शियल का ये प्लॉट है, यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट हमारा जो है जिना एवेन्यू पे हमने अम्पायर बिजनेस सेंटर के नाम से बनाया है, वो हमारा तकरीबन फिनिशिंग पे है। और ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, तो जनवरी में इसकी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊं कि हमने जो इनके प्राइस रखे हैं वो प्रॉपर लॉन्चिंग के नहीं हैं, क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग है हमारी। प्रॉपर लॉन्चिंग हमारी जब डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी जनवरी से, तो इसके तकरीबन आप समझ लें अभी हमारा जो अपार्टमेंट्स के प्राइस हैं वो हैं 8,200 रुपीस हमारे इस टाइम पे पर स्क्वायर फीट चार्जेस हैं, यानी कि इसके अपार्टमेंट्स के। और अगर आप शॉप ग्राउंड्स की लेंगे तो वो 35,000 स्क्वायर फीट है। और फर्स्ट की जो शॉप है वो यहाँ पे जो है कि आपको मिलेगी 25,000 पर स्क्वायर फीट पे। तो इस टाइम पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी बाइन करने का आपको बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जनवरी के बाद हमारी 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अबव हो जाएगी शॉप्स पे, और 5,000 रुपीज़ जो है वो हमारे अपार्टमेंट्स पे बढ़ जाएंगे ऑफिशली। यानी कि आप ये देख लें कि अभी आपको जनवरी तक का टाइम है, अगर कोई हमारा कस्टमर जो है वो बुक करवाना चाहे। दूसरा, मैं आपको इसके हवाले से थोड़ी ब्रीफिंग दे दूं, तो मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है, बनने जा रहा है, उसके ग्राउंड प्लस फर्स्ट शॉप्स होंगी जिसका मॉल बनाया हुआ है, और बेसमेंट में शॉप्स की पार्किंग होगी, और फोर्थ फ्लोर तक पार्किंग है इसकी, और फिफ्थ तक इसकी पार्किंग होगी। अब आप ये देख लें कि फिफ्थ तक जब ये हमारा ये जाएगा, तो आप ये ना सोचें कि ये प्लॉट जब ये फिफ्थ तक जाएगा तो ये आप उसके बाद हमारे अपार्टमेंट्स स्टार्ट होंगे। और ये ग्राउंड प्लस 18 जो है हमारी 28 फ्लोर हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे कैप्सूल लिफ्ट लगेंगी। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इस टाइम जो मार्केट में, और भी काफ़ी बिल्डर्स प्राइवेट बना रहे हैं, वो भी उनके भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। जैसे जिना एवेन्यू पे है, ए क्यू हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, या दूसरे प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट में ख़ास क्या बात है वो मैं आपको बताऊं। एक तो यहाँ हमारा रेट जो है बहुत रिजनेबल प्राइस पे हम दे रहे हैं। हमारे जो प्राइस हैं 8,200 पर स्क्वायर फीट विद पार्किंग है, जो हम आपसे ले रहे हैं विद पार्किंग हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी अभी अगर आप डिगिंग से पहले आएंगे तो थोड़ी बहुत नेगोशिएट हो सकती है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर लॉन्चिंग नहीं की। अगर हमने जब प्रॉपर लॉन्चिंग हमारे जनवरी के बाद हो जाएगी, फिर पॉसिबल नहीं होगा कि आपको प्राइस में हम मज़ीद फेवर दे सकें। तो ये मकसद ये है कि 8,200 पर स्क्वायर फीट है विद पार्किंग। अगर आप शॉप लेंगे वो भी विद पार्किंग है, और यहाँ पे जो शॉप का साइज़ है वो 186 से स्टार्ट हो रहा है, और 400-600 स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप 2700 स्क्वायर फीट तक भी शॉप अवेलेबल है, और हमारा अपार्टमेंट जो है वो 1142 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, और इसी तरह 1142 स्क्वायर फीट 1100
35 स्क्वायर फीट, 1148 स्क्वायर फीट, इसी तरह आप चलते हैं 1745 स्क्वायर फीट और 1761 स्क्वायर फीट तक, यानी कि आपको इसमें साइज़ अवेलेबल हैं, जिनमें थीम पार्क फेसिंग के भी अपार्टमेंट्स हैं। और मेरे लेफ़्ट पे जो है ये आप देख रहे हैं, सामने आपको थीम पार्क नज़र आ रही है, तो ये थीम पार्क जो है ये थीम पार्क फेसिंग भी अपार्टमेंट्स हैं। और लेफ़्ट पे ही इस तरफ इम्तियाज़ है इसके सराउंडिंग में, क्योंकि ये देखें ये एक मरकज़ की जगह है, यहाँ पे इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ के बिल्कुल साथ जो है ये बैरिया का शादी हाल बनेगा यहाँ पे। और इसके इम्तियाज़ से थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो आपको फ्यूल पंप PSO का नज़र आएगा, जो अभी इस टाइम पे अवेलेबल है। इम्तियाज़ जो है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग है। और इसके बिल्कुल अगर आप और आगे चले जाएँगे तो आप देखेंगे कि ये बैरिया टाउन प्रिसेंट 19 की जो फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो जिसमें अभी लोग रह रहे हैं, तो ये है और इसके साथ हॉस्पिटल है, ठीक है। और ये समझ लें कि बिल्कुल एक मरकज़ की जगह है ये, बहुत यानी कि एक दिन रश वाली जगह हो जानी है ये। और इसके सामने जिना एवेन्यू आ रहा है, तो गाइड्स मैं आपको इसके हवाले से जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, मज़ीद कोई अगर आप इसमें सवाल, अच्छा दूसरा इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो इस टाइम फाइल बैरिया टाउन की जो फाइल माइनस में जा रही है 20, 35, 40, 45%, वो भी हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, आपकी टोटल पेमेंट्स जो है वो इसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, यानी कि जितने आपने बैरिया को पे किए हुए हैं उनकी स्टेटमेंट पे जो कीमत आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वो आपके पूरे के पूरे इसमें हम मर्ज कर लेते हैं, और बाकी ये इंस्टॉलमेंट पे है। और दूसरी एक बड़ी बात, एक तो हमारी ये खासियत है, जो ख़ास बात है कि हम पार्किंग के पैसे इंक्लूड नहीं कर रहे, दूसरे जो बिल्डर्स हैं वो तकरीबन आपसे 35 लाख एंड 3 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं पार्किंग के, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि हमने ये अपने क्लाइंट्स के साथ वादा किया है कि अगर हम उनको टाइम पे, 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है ये, अगर हम उनको टाइम पे अगर नहीं देंगे, ये डिलीवर नहीं करेंगे, तो उस टाइम सिचुएशन में अपार्टमेंट्स या शॉप का जो बैरिया में रेंट अवेलेबल होगा, जितने मंथ लेट होगा वो रेंट हम अपने क्लाइंट्स को पे करेंगे। और इंशाल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। और इसके प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे स्क्रीन पे आए जो नंबर आ रहा है इससे रابطہ कर सकते हैं, और मेरी टीम से भी रابطہ कर सकते हैं। मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या प्रोजेक्ट के हवाले से या कुछ और, तो आप रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।